बेंगाबाद कोरोना वायरस बचाव बीएनबी के साथ पंचायत समिति दिवाकर सोनकार के साथ खास बात। आइए इस कार्यक्रम के तहत आज हम बात करते हैं जो कोरोना वायरस से कैसे पंचायत में इनकी पहल की जा रही है। यह एक पंचायत के प्रतिनिधित्व भी करते हैं और पंचायत समिति सदस्य भी हैं दिवाकर सोनकार जी, और अब कदावार नेता भी हैं, अपने आप में एक अलग पकड़ और पहचान रखते हैं। आइए आज हम इन्हीं से बात करते हैं कि अपने पंचायत के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने जानने वालों के लिए ये क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पहल की जा रही है अपने पंचायत में ये कोरोना वायरस से लोग बच सके इसके लिए क्या कर रहे हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं दिवाकर सोनकार जी से। जी बताएंगे दिवाकर जी कि क्या पहल की जा रही है आपके पंचायत में इस कोरोना वायरस से बचने को लेकर। स्वर्बाद पंचायत में यहाँ पर सभी लोगों के पास यह मैसेज चला गया है कि कोरोना का जो रूप है विश्वव्यापी धीरे धीरे झारखंड में भी यह प्रवेश कर चुकी है, और हो ना हो कभी अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे तो हमारे गांवों तक भी आने में देर नहीं लगेगा। और इसके लिए हमारा एक गांव है गादी गांव, और गादी गांव में हम लोग एक परिवार बन चुके हैं, क्योंकि यहां से लोग न बाहर जा पा रहे हैं न बाहर से लोग हम लोग किसी को आने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग चारों तरफ बांस लगा के अपना गांव को लॉकडाउन कर दिए हैं। और सभी से आग्रह किए हैं कि अपने अपने गाँवों में पंचायत के जिन जिन जो जो भी गांव हैं वहां पर अपने अपने स्थान पर लॉकडाउन करके रखें और सभी लोग घरों में रह के सुरक्षित रहें। ना अंदर से कोई बाहर जा सके ना बाहर से कोई अंदर आ सके, इसके लिए लॉकडाउन पूरी तरह ये मुस्तैद यहां पर लगा रखे हैं, बांस का बैरियर भी लगा रखे हैं जिससे कोई बाहर का लोग अंदर नहीं आ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है पंचायत समिति सदस्य महोदय, लेकिन आगे और लोगों के बचाव हेतु कोई पहल की जा रही है आपके पंचायत में। यहाँ पर अभी विशेष रूप से यही सब बात को लेकर हम लोग जागरूक सभी को कर रहे हैं, जो भी हमसे मिलते हैं आ तो जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर एक ही शब्द हम लोग बोलते हैं कि आप अगर बच सकते हैं तो अपने घर में रह के अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, अगर घर से बाहर आप निकले तो जो है सो आप खतरे में हैं। यही सब मुद्दा और यही सब बातों को लेकर हम लोग जो है सो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब बात रही कि हमारे पंचायत में बहुत ऐसे गरीब हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं उनको अनाज नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैंने अपने द्वारा पहल किया है कि जो लोगों को राशन कार्ड नहीं है उसको मैं 10-10 किलो करके चावल दिया हूं, और मैं और भी गरीब लोग जो भी होगा उसको मैं आश्वासन दिया हूँ कि आप लोग हमारे पास आए उनको हम जो है सो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मतलब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 10 किलो चावल, वो तो सरकार के द्वारा प्रावधान है, क्या आप स्वयं के द्वारा कर रहे हैं क्या 10 किलो चावल जो दे रहे हैं? देखिए बात ऐसा है कि अन्नपूर्णा के तहत प्रत्येक पंचायत में 2.5 क्विंटल चावल जो है सो दिया गया था, लेकिन वह 1 से 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन गरीबों की संख्या अधिक थी जिसके चलते हमको खुद जो है सो अपने द्वारा इस पर पहल किया गया, और जो लोग वंचित हो गए थे उसको हमारे द्वारा जो है सो चावल दिया गया। मतलब जो वंचित रह गए जिनके कोटा पूरा हो जाने के बाद में फिर आपके द्वारा ये पहल किया गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे मास्क वितरण, सैनिटाइज वगैरह कुछ आपके पंचायत में अगर हो रहा हो तो बताएं। अभी तक तो न प्रशासन के द्वारा न हम लोग पंचायत में 10,000 रुपया करके सभी पंचायतों में 10,000 रुपया करके आए हैं, और हम आशा करते हैं और पंचायत में जो भी उस कमेटी में है हम आग्रह करना चाहते हैं कि उससे सैनिटाइजर कम से कम, मास्क नहीं हो सके तो घर घर में सैनिटाइजर बंटवाने का काम करें। इससे क्या होगा कि एक अच्छा पहल होगा और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। वो आपदा प्रबंधन से 10,000 जो आया है वो तो निसहाय गरीब बेसहारों के लिए आया है, उसका राशि तो गरीबों में ही जाएगा, जो वंचित है जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनको मिलेगा। उसके अलावा जैसे मास्क वितरण हर पंचायत में, कई पंचायतों में हो रहे हैं, कई पंचायतों में सैनिटाइज हो रहा है, आपके पंचायत में क्या पहल की जा रही है कोरोना वायरस से बचाव को लेकर? हमारे पंचायत में तत्काल तो इसके लिए किसी तरह का कोई पहल हुआ नहीं है, इसके लिए हम प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी से हम बात किए हुए थे और उनको बोले थे कि सरकार द्वारा अगर आपके पास उपलब्ध है तो
तो यहाँ पर मास्क बंटवाने का काम करें और सैनिटाइजर बंटवाने का काम करें, लेकिन अभी तक जो है सो इसका पहल नहीं किया गया है। अब लगता है कि जिस तरह हम लोग गरीब को जो है सो मदद कर रहे हैं, उसी तरह इसमें हम लोगों को अपने घर से ही शायद लग रहा है कि पहल करना पड़ेगा। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था से इनका विश्वास उठता जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हम स्वयं के द्वारा ही प्रयास करेंगे पहल करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, इस महामारी में अगर आप मदद करते हैं तो यह एक सम्मानजनक वाली बात होगी, लाभकारी साबित होगी और बहुत ही अच्छा और नेक कदम होगा आपका। दिवाकर जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका पंचायत, जो आपके चाहने वाले हैं, बहुत ऐसे जानने वाले हैं, बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं, आपके जो दर्शक लोग हैं जो देख रहे हैं आपको, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना वायरस से बचाव को लेकर? हम तमाम मित्रवर, हमारे संबंधी, हमारे गांव के लोग और हमारे तमाम पंचायत वासियों से, सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर किसी भी सामान की जरूरत होती है तो समय सीमा और अपने बचाव करते हुए आप जाएं और वहां से अपने बचाव करते हुए वो सामग्री लेकर आए और फिर अपने घरों में सुरक्षित रहे, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी पहल है इनका। इनका कहना है कि लॉकडाउन नियमों का पालन करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और बात भी सत्य है, अगर हमें बचना है तो लॉकडाउन नियम का पालन करना है। बने रहें आप सब बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। अनवरत आप सबों को रूबरू हर पंचायत, हर गांव, हर कस्बे से बीएनबी कराते रहेगी, लेकिन शर्त यही है आप बने रहें अपने घर में, बीएनबी आपको दिखाता रहेगा बीएनबी पर, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।